नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली न्यूज। बिहार में अडानी, जेके सीमेंट, पेप्सी को और कोका कोला समेत लगेंगी कई इंडस्ट्रियां। बिहार में कई बड़ी इंडस्ट्री ने अपनी यूनिट शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें अडानी, जेके सीमेंट, पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिससे बिहार की युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही बिहार के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप सीमेंट प्लांट नवादा और मुजफ्फरपुर जिले में एक एक सीमेंट इंडस्ट्री लगाने वाली है। नवादा में 1400 करोड़ की लागत से और मुजफ्फरपुर में 900 करोड़ की लागत से इंडस्ट्री बैठाई जाएंगी। उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को इंडस्ट्री बैठाने के लिए वारसलीगंज में चीनी मिल के नज़दीक करीब 72 एकड़ जमीन दी। बिहार पुलिस में सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर के पदों पर होगी बम्पर बहाली। बिहार पुलिस में नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार में जल्द ही सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर के पदों पर बहाली होगी। इसकी जानकारी कार्मिक विभाग के DIG द्वारा दी गई है। DIG रंजीत मिश्रा ने बताया कि 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। वहीं 2,000 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज प्रदेश में इन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। एक बार फिर से प्रदेश में मॉनसून का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। सुस्त परा मॉनसून फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। बीते दो दिनों में पटना सहित कई जगहों पर बारिश होती दिखी। कई जिलों को तो वज्रपात को लेकर भी अलर्ट किया गया है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई।